Hey everyone, Savvy this side. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. Well, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कनाडा में हम अपनी नेटवर्किंग कैसे स्ट्रॉन्ग करें. एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम किसी दूसरी जगह पर एंटर करते हैं, लाइक कनाडा या कोई अदर कंट्री हम ले लें, तो हमें इनिशियली बहुत मज़ा आता है. हम उसके कल्चर से बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होता है. बाद में जो चीज़ हमें फ़ील होती है ना, वो होती है होम सिकनेस. यस, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम अपने घर को. घर का खाना हो, कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा याद आता है. उसके लिए सबसे ज़रूरी पता है क्या है कि हम कैसे सोशल बने, कैसे हम अपनी नेटवर्किंग पे काम करें. तो कनाडा में अगर आप जैसे एज अ स्टूडेंट आए हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी आए हो, फिर भी हमें ये रहता है ना कि हम अपना नेटवर्क और बढ़ाएँ. कि हैबिट ऐसी नहीं है अगर, तो यू शुड वर्क ऑन इट. बिकॉज सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे आपके प्रोफेशन के लिए हो, लाइक जॉब्स के लिए हो, या फिर खुद के लिए भी, क्योंकि अकेले रह रह के ना स्ट्रेस, यहाँ पे जो मैंने फील किया है, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ जाती है हमारे अंदर. तो इसी के ऊपर बेस्ड ये वीडियो रहने वाला है कि हम अपनी नेटवर्किंग को, कनेक्शंस को, कॉन्टेक्ट्स को कैसे और इंक्रीज करें. तो सबसे पहले जो है, आप किसी भी रिलीजन से हों, आप कहीं भी होली प्लेसेस पे जाते हों, लाइक मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको अपनी कम्युनिटी के जब लोग मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक वाइब्स मैच होती हैं. तो यू शुड विज़िट होली प्लेसेस. और वहाँ पे अगर आप रूम्स भी सर्च करें, कई बार ना वहाँ पे एड्स भी लगे होते हैं, आइदर फॉर रूम्स, जॉब्स और अदर चीज़ें बहुत सारी आपको मिल जाएंगी जब आप जाओगे. विज़िट ज़रूर करना, तो आते ही ये पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगी. सेकेंडली, अगर आप जॉब रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स को हाई करना चाहते हो ना, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर सोशल साइट्स छोड़ के ना सबसे पहले काम करना अपने लिंक्डइन पे. यस, कनाडा में जो सबसे ज़्यादा चलता है, कनाडा क्या, प्रोफेशनली जो सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग काम करती है, वो करती है लिंक्डइन पे. मुझे भी पहले इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, हालांकि अभी भी आई एम नॉट दैट प्रो इन इट, बट यस, लिंक्डइन पे काम करना शुरू कर दो. कनेक्शंस बनाओ यार, रेफरेंस मिलता है, यू नो. और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो प्रोफेसर्स, जैसे हमारे टाइम पे क्या था ना, हम प्रोफेसर्स को बोलते थे सर. सर तो यहाँ कोई बोलता नहीं है, बाय नेम ही होता है. बट यस, कि अगर आप हमें रेफ़र कर दो कहीं के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग अपनी फाइल बन जाती है. या फिर हमारी प्रोफाइल, द करेक्ट वर्ड इज़ प्रोफाइल, हमारी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस चीज़ से. तो हमारे प्रोफेसर्स क्या करते थे, कहते थे कि जब तुम ये सेमेस्टर उनका वाला सब्जेक्ट जो है वो पास आउट कर लोगे या कॉलेज पास आउट कर लोगे, आफ्टर दैट वो आपके साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाएंगे. और बाकी चीज़ें हैं, आप कॉलेज में वॉलंटियरिंग के लिए सबसे पहले, यू नो, रेज योर हैंड्स. स्कूल टाइम में हम डरते थे ना किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने में, अरे यार क्या ही फ़ायदा हो जाएगा. बाद की बातें, बचपन में तो बहुत शौक रहता है, बाद में बोलते हैं यार सर्टिफिकेट ही तो मिलना है, लीव इट, दोस्तों के साथ मज़े कर लेते हैं बाद, या फिर इन्जॉयमेंट के तरीके से जा लेते हैं. लेकिन नहीं, अगर आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है जॉब पर्सपेक्टिव से, या फिर लर्निंग के लिए भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब में ही काम आएगा, खुद की भी तो स्किल्स डेवलप होती हैं. तो वॉलंटियरिंग के लिए कहीं पे भी मौका मिले, जस्ट गो फॉर इट. और चीज़ें आप अगर कर सकते हैं, जैसे मेरी डॉटर मैं उसे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में भेजती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जितने बच्चे हैं मतलब उनके पेरेंट्स आते हैं, तो उनसे बातें करके भी क्या होता है ना, हमें काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के बारे में जानने को मिलती है. वरना क्या होता है, हम चार दीवारी में बंद हैं, हाँ हम अपनी फैमिली से ही मीटअप कर रहे हैं, यार हमें क्या ज़रूरत है नेटवर्किंग की, हम अपने फैमिली के साथ हैं तो हमें कौन सा होम सिकनेस होने वाली है. जब फैमिली के साथ हैं, हमें कौन से कल्चरल इश्यूज़ हैं, यार हम तो अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, आप दूसरी जगह आए हो, तो यू शुड लाइक इंटरेक्ट विद ईच अदर. फिर उससे क्या होता है, हम डाइवर्स यूनिवर्स में जब रहते हैं ना, तो एक दूसरे की चीज़ें सीखना भी इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपका वैसा वाला बिहेवियर है ना, शाय वाला, लाइक किसी के सामने थोड़ा हेजिटेशन वाला, तो वो इंडिया ही रख कर आना. और अगर आ गए उसे लेके, तो उसे अब छोड़ देना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. अदर सोशल नेटवर्किंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, पार्क्स जाइए. पार्क में भी, यहाँ ऐसा नहीं है कि लाइक इंडियंस ही मिलेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं पार्क्स में. कोई अपने डॉगी को घुमाने आया है, कोई अपने बेबी के साथ आया है, कोई खुद ही टहलने आया है, और बातें कर लेते हैं लोग. ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आके लगता है कोई हमें घरों के बाहर दिखता नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन पार्क से आप जाओगे ना,
तो आप देखोगे वहाँ पे कि लोग आपसे बातें, अगर आप करना चाह रहे हो किसी से कम्युनिकेट, तो दे विल हेल्प यू आउट इन इट। आप इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी इवेंट हो रहा है ना, कई बार पब्लिक प्लेसेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनमें चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, कई कई पेड भी होते हैं। हाँ, तो आपके ऊपर है, आप पेड इन्जॉय करना चाहते हो या अनपेड वाले में जाना चाहते हो। तो इन्जॉय कीजिए इवेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाइए। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि अगर आप दिन में दो दोस्त भी बनाते हो ना, दोस्त बोले तो न्यू कॉन्टेक्ट भी बनाते हो ना, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, और अपनी हैबिट बना लो उस चीज़ को। तो यही मैं आपको भी फॉरवर्ड करूँगी ये मैसेज, कि अगर आप एक भी, दो छोड़ो, एक भी नया कॉन्टेक्ट बनाते हो ना, आइदर इन लिंक्डइन और एनीवेयर, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपके कॉलेजेस में भी कोई इवेंट्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो उसे भी अटेंड करना। कई बार हमें वर्कशॉप्स में भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनसे भी नेटवर्किंग में काफ़ी हेल्प होती है, अपने जैसे लोग हमें मिलते हैं, लाइक जिनका हमारी तरह इंटरेस्ट लेवल है या कुछ भी है, तो वो हमें मिलते हैं, तो सेम वाइब्स मैच हो जाती हैं। सो कमेंट सेक्शन में आप भी बताना कि कैसे हम और सोशल हो सकते हैं, कैसे हम और फ्रेंड्स बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं, और अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाय बाय।